IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिटी फॉरेस्ट उद्यान का शुभारंभ रविवार को स्थानीय मधुमिलन चौराहे पर किया गया। यहां एबी रोड के दोनों ओर उद्यान को पर्यावरण विभाग के द्वारा नगर निगम के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 1,15,00,000 रुपए है। रविवार को विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार, जिलाध्यक्ष श्री राजीव खंडेलवार, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन सहित MIC सदस्य व पार्षदगण एवं निगम अधिकारियों ने पौधारोपण किया। शहर में वायु गुणवत्ता सुधार तथा हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा वित्त पोषित तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के संयुक्त निर्देशन के नगर पालिक निगम देवास के द्वारा सिटी फॉरेस्ट उद्यान का शुभारंभ किया गया। रविवार को यहां पर विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन सहित अन्य पार्षद एवं निगम अधिकारी, पर्यावरण बोर्ड के अध्यक्ष यंत्री श्री आदेश जी, बोर्ड जिला अधिकारी सुश्री निकिता सहायक, वास्तविक EPCO योगेश निगम, उपायुक्त पुनीत शुक्ला के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने कहा कि देवास बहुत ही सुंदर शहर और सौभाग्यशाली है। यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पर 1,15,00,000 की लागत से 200 मीटर लंबे, 50 मीटर चौड़े AB रोड के दोनों ओर उद्यान बनाए जाएंगे। इसको पर्यावरण की दृष्टि से सुंदर बनाया जा रहा है। सुंदर और स्वच्छ व स्वस्थ देवास बनाने में यह एक और पहल है। इससे पहले स्पोर्ट्स पार्क विकसित किया है। इसी मौके पर MIC सदस्य धर्मेंद्र सिंह बेस, गणेश पटेल, अजय परियार, मंडल अध्यक्ष सुनील जोशी, अजब सिंह जी ठाकुर, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिकों के साथ ई नागेश वर्मा, कार्यालय अधीक्षक अशोक, उपाध्यक्ष ए जगदीश वर्मा, फायर अधिकारी जितेंद्र सिसोदिया, उद्यान प्रभारी दिनेश चौहान, उपयंत्री राजेश कौशल, हरेंद्र सिंह ठाकुर, कैलाश नायक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सौभाग्यशाली है कि देवास को सिटी फॉरेस्ट का ये प्रोजेक्ट मिला है। कुछ ही जगहों को ये मिला है और उसमें से देवास को एक चिन्हित किया गया है। 115 करोड़ की लागत से ये 200 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े ऐसे दो प्रोजेक्ट्स हैं। ये दोनों रास्ते के दोनों तरफ बनेंगे और ये एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में शहर में ही जंगल का वातावरण कैसे दिया जाए उसको दर्शाते हुए ये सिटी फॉरेस्ट पर्यावरण की दृष्टि से बनाया जा रहा है। राजा, यहाँ पर जो है लोगों को घूमने के लिए भी रहेगा क्या, किस प्रकार से यहाँ पर आ सकेंगे? हमने आपने देखा कि स्पोर्ट्स पार्क भी बनाए हुए हैं, एक बना हुआ है, तीन और बन रहे हैं। उन्हीं की श्रृंखला में ये सिटी फॉरेस्ट मिला है तो देवास के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बहुत सुंदर, एक सुंदर स्वच्छ और स्वस्थ देवास बनाने में ये एक सीढ़ी है जिसके लिए हम शासन को, प्रशासन को और सबको लेकर इसका क्रियान्वयन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।